नमस्कार। हमारी आज की कहानी है सबसे बड़ा पुण्य हम जीवन में किस प्रकार कमा सकते हैं। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सारा सुख ऐशो आराम छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा रहता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, हे महाराज, आपके हाथ में ये क्या है? देव बोले, हे राजन, ये हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वाले लोगों के नाम हैं। राजा ने निराशयुक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, किंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय ही नहीं निकाल पाता और इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस नज़रअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना के लिए दूसरों की सेवा में लग गए। कुछ दिनों बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले। वह उन्हीं देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार उनके हाथ में पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली वाली से काफ़ी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज कौन सी बही खाता आपके हाथों में लिए हुए हो? देव ने कहा, हे राजन, आज के बही खातों में उन लोगों के नाम लिखा है जो ईश्वर के सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली वे लोग हों जो निश्चित ही एक रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये बोला, ये क्या, पहले पन्ने पर राजा आपका ही नाम है? महाराज आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, हे देव, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संस्कार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा, गो सेवा, गोरक्षण की सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन, तू मत पछता कि तूने पाठ पूजा नहीं करता। जीव गो सेवा, लोगों की सेवा कर तू असल में भगवान की पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा ही किसी भी उपासना से बढ़कर है। कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। हे राजन, भगवान दीन दयालु है, उन्हें खुश शामद नहीं बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, गो सेवा, साधु ब्राह्मण दीन दुखियों का हित साधन करो, अनाथ विधवा किसान व निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा, और यही परम शक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और आज राजा समझ गया कि परोपकार ही सबसे बड़ा कुछ भी नहीं है, परोपकार ही सबसे बड़ा है। परोपकार करते हुए वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से गो सेवा, दीन दुखियों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, परोपकारम पुण्यम भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना
दूसरों की सेवा और पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और आप भी ऐसा ही कर रहे हो, स्वतः ही आप वह ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाओगे। तो दोस्तों, ये था पुण्य कर्म कि हमें किस प्रकार लोगों की दीन दुखियों गो सेवा करके हम अपने पुण्य कमा सकते हैं। आशा करती हूँ ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।